हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अमित मोटो व्लॉग्स के अंदर। आई होप आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं सुजुकी जिक्सर 250 सीसी के FFV मॉडल के बारे में, जिसे इंडियन मार्केट के अंदर डिसकंटिन्यू कर दिया गया था, जिसका सबसे बड़ा कारण था दोस्तों इसमें कोई भी फीचर्स ऐड नहीं करना। बाकी समय समय पर इसके कलर्स और ग्राफिक्स में बदलाव किए जा रहे थे, लेकिन इसमें कोई भी फीचर्स ऐड नहीं किया जा रहा था, जिस वजह से इसमें इंडियन मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा सेल डाउन हुई और इसे कंटिन्यू करना पड़ा दोस्तों। लेकिन अब इसे दोबारा रिलॉन्च किया जाएगा इंडियन मार्केट के अंदर, क्योंकि इसे ऑटो एक्सपो में रिवील कर दिया है दोस्तों। बाकी इसमें अपने को क्या क्या फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, साथ ही इसकी क्या लॉन्च डेट अपने को देखने को मिल जाएगी इंडियन मार्केट के अंदर, उसकी क्या प्राइस रहने वाली है, सभी जानेंगे अपन इसी वीडियो के अंदर। तो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। बात कर लेते हैं फ्रंट से। फ्रंट में जो आपको हेडलाइट देखने को मिलेगी वो LED सेटअप के साथ में देखने को मिल जाएगी। वहीं आपको DRS देखने को मिल जाएंगे LED के अंदर। टेल लाइट और इंडिकेटर भी आपको LED सेटअप के साथ में देखने को मिल जाएगी, यानी ऑल सेटअप LED आपको इस बाइक के अंदर देखने को मिल जाएगा दोस्तों। वहीं इसके इंजन की बात कर लें तो 249 cc का सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक ऑयल कूलिंग इंजन देखने को मिल जाएगा, जो कि BS6 Phase 2 OBD2 सेंसर वाला इंजन रहने वाला है, जो कि पावर प्रोड्यूस करेगा 26.14 PS की और टॉर्क प्रोड्यूस करेगा मैक्सिमम 22.2 न्यूटन मीटर की। वहीं इस बाइक के अंदर आपको 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स देखने को मिल जाता है। वहीं ब्रेकिंग सिस्टम की बात कर लेते हैं इस बाइक के अंदर, तो मैं आपको बता दूं ड्यूअल डिस्क के साथ में आपको सिंगल चैनल ABS और ड्यूअल चैनल ABS दोनों वेरियंट आपको इस बाइक के अंदर मिल जाएंगे दोस्तों। अब बात कर लेते हैं इस बाइक की टॉप स्पीड अपने को कितनी देखने को मिल जाती है, तो मैं आपको बता दूँ 150 यानी 150 किलोमीटर पर आवर इसकी टॉप स्पीड अपने को देखने को मिल जाती है दोस्तों। वहीं दोस्तों, इसे ऑटो एक्सपो में रिवील कर दिया है, यानी ये बाइक आपको जल्द ही इंडियन मार्केट के अंदर देखने को मिल जाएगी दोस्तों। ये तो कंफर्म हो चुका है कि ये बाइक अपने को देखने को मिल जाएगी, लेकिन कब तक देखने को मिलेगी ये भी जानेंगे इसी वीडियो के अंदर। साथ ही दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को यार सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि नया चैनल है तो थोड़ा सपोर्ट कीजिए चैनल को, और नया चैनल है इसलिए 1000 सब्सक्राइबर करवाने भी पूरी हेल्प कीजिए दोस्तों। वहीं दोस्तों, इसके फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात कर लें तो इसमें 12 लीटर यानी 12 लीटर की इसमें आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाती है। वहीं दोस्तों, इसके लॉन्च डेट और एक्सशोरूम प्राइस की बात कर लेते हैं अपन, तो मैं आपको बता दूं कि जो इसका लॉन्च डेट रहने वाली है उससे पहले प्राइस की बात कर लेते हैं, तो इसका एक्सशोरूम प्राइस अपने को 1,90,000 रुपये से लेकर 1,95,000 रुपये के बीच में देखने को मिल जाता है। वहीं दोस्तों, इसमें आपको 2 से 3 हज़ार रुपये का डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। साथ ही लॉन्च डेट की बात कर लें तो लॉन्च डेट आपको जनवरी 2023 में ये बाइक देखने को मिल सकती है इंडियन मार्केट के अंदर, जिसका कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है। बाकी दोस्तों, इस बाइक से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ आती है तो मैं आपको वीडियो बनाकर जरूर बता दूंगा। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।